मात गर्भ में आपन सिमरन दे तन तुम रखन हारे पावक सागर अथाह लहर में तारू तारन हारी माधु तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तोहारू धोरा माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तोहारू धोरा परम सम्मान योग सत्संगत योग गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों सिखी लहर के तहत रखे गए गुरमत समागम तिना की लड़ी में यह अज का गुरमत समागम आप जी के नगर में रखा गया है। अज का यह गुरमत समागम आप संगत के सहयोग नाल गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों सिखी लहर के जथे फतेह क्लब जो नौजवान वीर ने रल के तैयार किया है कि साड़ी कौम में जागृति आ सके इन सारे वीर के सहयोग नाल ये शेर दीवान आप जी के इलाके में रखे गए हैं। अजे चार दीवान होर बाकी ने कल सवेरे शाम परसों सवेरे शाम जिन्हां विच आपां सारिआं ने हाजरी भरनी है भावें कि गर्मी बहुत है तुसीं सतगुर के प्यार का सबूत दिंदिआं होइआं गुरु की गोद में जुड़ के बैठे हो आओ बहुत प्यार नाल आप जी ने भाई गुरजंट सिंह रूपवाली भाई हरजिंदर सिंह सबराज तिन्हां पासों गुरमत दीआं विचारां सरवण कीतीआं ने आओ सात संगत कुछ समा बाणी दीआं विचारां होर सरवण करिए अदु सत्कार नाल फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगत जी लंबा समा सिखी दे प्रचार विच गए पैण करके साडे मनां विच बहुत प्रकार के भरम भुलेखे खड़े हो गए हैं ते अज एडा वड्डा गए पैण नाल एक बहुत वड्डा सवाल साडे मनां विच अक्सर दौड़दा है साडे मन विच हलचल मचाउंदा है। जदों असीं पंजाब दे वख-वख पिंडां विच विचार करन वास्ते जाने प्रबंधक जी जदों जाके संगत विच अनाउंसमेंट करदे ने दसदे ने भी इदां गुरुद्वारे विच समागम होना है ते कई वार ते तरस भी आउंदा है जदों इह गल पुछदे ने प्रबंधकां नूं जिहड़े समागम उत्थे इलाके विच करदे ने भी किहड़े संत जी आ रहे ने किहड़े बाबा जी ने प्रवचन करन आउणा है मतलब इह तों इलाके की मानसिकता का पता लग जाता है कि उन्हां दे अंदर इह ख्याल है भी जिन्हें गोल पग बन्नी होवे गोड़ियां दीआं चपड़ियां तों थले तक चोला आउंदा होवे हाथ विच दोहरा तेरा सिमरना फड़िया होवे एक नाल गड़वे वाला होवे एक नाल तौलिए वाला होवे जदों ओह आण के प्रवचन करेगा असीं बड़े ध्यान नाल सुणांगे ध्यान दे के सुणे तुसीं सवाल कर सकदे हो मेरे बोलदिआं बोलदिआं तुहानूं हक है। योगी कहिंदा सी कि जड़ावां हाथ विच खप्पर शरीर ते सुआह मलना इहो रब दी प्राप्ति दा रस्ता है। गुरु नानक जी ने एको सवाल किया कहते जी वह रब की प्राप्ति का रस्ता है तेरे प्रचार तो सारी दुनिया जे प्रभावित हो जाए तेरे प्रचार तो सारी दुनिया जे प्रभावित हो जाए हर बंदा खप्पर फड़ लै हर बंदा जड़ावा वधा लै हर बंदा सुआह मान लग पै दो मिनट सोचो दुनिया चल पाएगी बैठे बैठे सोचो जी। योगी कहता सी रब की प्राप्ति का एको ही साधन है इदा ही जिहड़े कहिंदे ने रब की प्राप्ति वास्ते परमात्मा दे नाल जुड़न वास्ते इदा दा रूप धारण करना पवेगा ते जे सारे बंदे इदा दा रूप धारण कर लैण भी तुहान सारिआं नूं एक गड़वे वाला चाहिए सारिआं नूं एक तौलिए वाला चाहिए सारे इदा दा प्रबंध कर लैण दो मिनट लई सोचो भला दुनिया चल पाएगी। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने किन्नी कमाल की विचारधारा दित्ती खेतां च काम करन वाला जिहदे हथ लिबड़े होए ने घटे नाल मिट्टी नाल ओह वी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की सिख्या लैके रब की प्राप्ति कर सकदा
केले वेचण वाला, फ्रूट वेचण वाला, चाह वेचण वाला, गड्डियां दे टायरां नूं पंचर लाउण वाला, किसे कारखाने विच मजदूरी करन वाला, हर एक व्यक्ति जिथे भी बैठा है वह निर्मल कर्म करके वाहगुरु परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने किन्नी कीमती विचार दे के सानूं समझाउण दा यतन कीता कि रब दे नाल तूं किवें सांझ पाउणी है, किवें मालक नाल जुड़ना है। बड़े कीमती बचन, क्योंकि मैं गल तां शुरू कीती है भी पहला भी गुरजन सिंह जी बोले, फिर वीर जी हरजिंदर सिंह बोले, हुण दास की वारी है, बाद में वीर सुखविंदर सिंह सवालों के जवाब दे। कई मन में सवाल होएगा एक ही एक हटता दूजा लग पैंदा। असीं तां इदां दा माहौल वेख्या है ना भी एक बाबा जी आउंदे ने नाल चिमटियां वाले चार आउंदे ने, तीन चार ढोलकियां वाले आउंदे ने, पहला वो संगीत वजदा है, असीं बड़े मस्त हो के सुनते हाँ, धारनावां पढ़िया जांदियां ने, अरदास हुंदी, असीं लंगर छक के घर नूं चले जांदे। घर जांदे इक सवाल करो अपने मन में भी अज कि गुरबाणी की गल असीं उस दीवान विचों सिख के आए हैं, कि पहरावा तुहाडे वर्गा पाया, इहो जी वर्दी तुसीं भी पा सकदे हो, कमीज पजामे इन्हां वीरां ने तुहाडे वर्गे पाए ने, कोई वखरा पहरावा नहीं, कोई वखरा पाणी नहीं, पर सानू किन्ने लोग पसंद ने जी, उह किन्ने लोग पसंद ने जिन्हां नूं साडे हाथ दा पाणी पसंद नहीं, साडे हाथ दा बणिया भोजन प्रसाद पसंद नहीं हैगा। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने वाहिगुरु परमात्मा नाल जुड़न वास्ते विचों विचोलगी पासे कर दी। आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ीए, फिर आपां विचार आरंभ करदे हां। गज के पढ़ना दोबारा ना कहना पवे सत संगत, यह मुखवाक भी है वैसे जड़ियाँ मैं तुकां लईआं तां लईआं क्योंकि सानूं याद भी होणगियां, मुखवाक हुक्मनामा सुनदिआं सुनदिआं सानूं इह तुकां याद भी नहीं। तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा, तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा। सारे पढ़ो जी सारे। इहदे अर्थ ने हे माधो माया के पति अकाल पुरख परमात्मा जी, हे वाहगुरु परमात्मा जी, माधो तू ठाकुर तुसी मालक हो, सिर मोरा मैं तुहानू अपने सिर का मालक मानता हाँ, भाव मेरे सिर ते सिर्फ तुसी हो, मैं तुहानू अपना आगू मन्ने, मेरे जीवन विच तुहाडे तो बिना कोई होर अगवाई करन वाला नहीं। इहां उहां भाव हर वक्त तुहारो धोरा धोरा कहिंदे ने आसरे, मैनू हर वक्त केवल अकाल पुरख जी तुहाडा ही आसरा है। आओ जिहड़े चाहुंदे कि साडा आसरा अकाल पुरख बने ते असी बनाईए, गज के इहनां तुकां नूं पढ़ो। तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा, तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा, तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा, तूं ठाकुर सिर मोरा माधो, तूं ठाकुर सिर मोरा। इहां उहां तुहारो तोरा, इहां उहां तुहारो तोरा, सिर मोरा माधो, तू ठाकुर सिर मोरा, तू ठाकुर सिर मोरा माधो, तू ठाकुर सिर मोरा। वेखो सत्संग, सानू सतगुर की बाणी ने एक अकाल पुरख दे लड़ लाया। सारी गुरबाणी विच किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं, किसी व्यक्ति के गुण नहीं गाए, सगों अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु के गुण गाए हैं।
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਜੈਸੋ ਸੇਵਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਠਾਕੁਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹੇਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੜ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਿਫਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਅੰਕਰੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਘਰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 50 ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ 50 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 33 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, 33 ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 17 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ 17 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 33 ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਰਿਬੜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 33 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 17 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 7 ਮੱਸਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਾ ਵੇਚਣ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਦੀ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਵੀਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ
साड़ी रब जड़ ला दे। उन्होंने पुत्रां दी अरदासां कर देनियां, कई दे हो जाने, कई दे नहीं होने, जिन्हां दे नहीं होने उन्होंने उलामा देना कोई नहीं, जिन्हां दे हो जाना उन्हें कहना वेख्या रब ने साड़ी सुन ली। जे जे कोई दावा करता कि साडे बाबे की अरदास सुनी जाती है तो फिर वह भी कह दे आ क्यों इंसाफ मंगते पे जी आप बाबे नूं कहो रब दे अगे अरदास करो। गल ये अरदासा वाले ना भारत में अज तो कई साल पहला भी है सी, जो गुरु नानक साहब एमनाबाद के लोगों दसन गए वो प्यारे हो शस्त्र सीख लो हथियार चलाने सीख लो बाबर आ रहा तुहानूं फना कर देना तुहानूं खत्म कर देना। अगे वो पता की कहें कहते आखो तीन तीन बार इनान कर दे धोतियां वेखो इन्हों कि दियाँ तिलक दे मत्थे तिलक वेखो किडे कमाल दे लाते किन्ने मंत्र पढ़ दे इन्हें जो मंत्र पढ़ने बाबर दियाँ फौजां अन्या कर देना बाबर की फौज का एक भी गोला नहीं चलूगा फिना कर देना। पर होया कि कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ताया एक भी उन्हों का सिपाही है अपने मंत्रा नाल अन्या नहीं कर सके अपनी सिक्ख्या नाल अन्या नहीं कर सके। तो साढ़े वेख लो इतने आ किन्ने मंत्र पढ़न वाले किन्ने शब्द पढ़न वाले जो अकाल तख्त पर हमला होया जो टैंक चढ़े ने यह मंत्र पढ़ के अन्या कर देंगे फौज में जनरल वैद्या सुखे जिंदे मारन की की लोड़ पई सी जी मंत्र पढ़ते घर बैठे ही सुखे जिंदे जाके जनरल वैद्या उत्थे खत्म करने की की लोड़ पे इतों ही मंत्र पढ़ते जनरल वैद्या अन्ना हो जाता उसकी अखा बाहर हो जाती इन्ना कुछ करने की लोड़ ही नहीं पैंदी हैगी सी। आ जिहड़े जिहड़े अज दावा करते साडे बाबे ने आ कीता साडी सोच वेखो कित्थे जापान विच सुनामी लहर आईआं एक बार देश अद्धों जदा तबाह हो गया तो साढ़े मूर्ख पता की कहते हैं कहते एक दिन ना साढ़े बाबा जी बैठे तो कई जन सिखो पानी आ गया सिखो पानी आ गया बाबा जी कितने आ गया सिखो पानी आ गया कहते दो दिन बाद बाबा जी ने दसिया प्यारे ओ पानी जापान में आया सी पानी तो बड़ा ज़्यादा आ जाना सी मैं जे रोक लिया लो कर लो गल भी ये बाबे नूं इहदा मतलब पहला पता लग गया सी जे पता लग गया सी जे सरकार नूं दसदे अखबारां च आउंदा टैलीफोन करदे उत्थे सरकार नूं फोन कराउंदे भी दब दब जहाजां ते लोकां नूं चढ़ा दिओ लावा फुटन वाला जे सुनामी आने वाली जे देश तबाह होने वाला जो नुकसान हो जाता मुड़ के जोड़ा बच जाता ना ये बाबे अपने सिर लै लेंगे जोड़ा नुकसान हों अपने सिर नहीं लेंगे वो अपने सिर जोड़ा जोड़ा बच गया ना वो कहना बाबा जी ने बचाया असी लुटे जा रहे हैं तबाह हो रहे हैं ठाकुर अकाल पुरख परमात्मा जोड़ा साढ़े सिर के उत्ते किसी कोई ताकत नहीं परमात्मा दे वेखो गुरु नानक साहब बाणी च की समझाते भला जो तुत भावै साई भली पढ़ो साहब संग जी जो तुत भावै साई भली रब जी जो तुहानू पाउंदा वह काम मैनू भी चंगा लगे। मैं तुहाडे सामने एक उदाहरण देन लगा ध्यान ना सुनियो मेरी वो भैनों साढ़े बच्चों कोई गुआढ़ी सिक्ख्या देवे सिक्ख्या देवे कि मैं ना तुहाडे डैडी नू मना लेना तुसीं आ चीज़ तुहानू चाहिए है ना मैं तुहाडी मम्मी नूं ये चीज़ वास्ते मना लेना तुहाडे डैडी नूं इस चीज़ वास्ते मना लेना घबराओ ना मंग बच्चे की गलत होवे हुण बच्चे की मंग गलत होवे ते गवांढी साडे बच्चे नूं ये कहे मैं तेरे डैडी नूं मना लेना घबरा ना मैं तेरी दादी नूं भी मना लेना घबराई ना ते सानूं लग जाए पता कि साडे बच्चे नूं गवांढी ने यह पुठी मत दित्ती कि मैं तेरे डैडी मम्मी नूं मना लेना मंग होवे गलत हुण बच्चा होवे छोटा वस्तु मंग लै वड्डी माँ बाप की जेब भार ना चलती होवे बजट ना होवे ना भला वो गुआढ़ी माँ बाप नूं चंगा लगू क्यों सा सकदे जी जिहड़ा तुहाडे बच्चे नूं ये सिक्ख्या देने की बजाय कि तू माँ बाप का आग्ञाकारी होवे उल्ट मत देवे भी तू घबरा ना तू अपनी गल ते पक्का रह फिर तेरे डैडी नूं मना लेना भी वह बच्चे की गल मने क्यों जी जिहड़ा साडे बच्चियां नूं साडे आग्ञाकारी होण विच साडी मदद करे वह चंगा लगू कि जां जिहड़ा साडे बच्चे नूं इह मत देवे कि मैं तेरे बापू नूं मना लैणा घबरा ना तू अपनी गल ते पक्का रहीं तेरा बापू तैनूं इह चीज़ लै के देवेगा सानूं दोवां चों किहड़ा चंगा लगेगा बच्चियां नूं आग्ञाकारी बनाउण वाला कि बच्चियां नूं साडे अगे साडी मनमर्जी दे उल्ट जाण वाला सुभाविक है
जिहड़ा साडे बच्चियां नूं पुठी मत देवेगा, भावें सका भरा होवे, सकी भैण होवे, चाची होवे, ताई होवे, चंगी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी ना प्यो भैणो, चंगी लगेगी? हुण आ जाओ टिकाणे ते। साडे घर धी नहीं, साडे घर पुत नहीं, साडे घर धी नहीं, साडे घर औलाद नहीं हुंदी। ते बाबा जी ने विच बैठे, बाबा जी का की फर्ज बनता सी भला सानूं समझाउंदे वी घबराओ ना, रब बड़ा बेअंत है। जे धी नहीं भी होंदी, पुत नहीं भी होंदा, सबर मंगो, संतोख मंगो, विश्वास मंगो, रब बड़ा बेअंत है। सानू समझाया कभी कोई पुत धी की अरदास बाबे को कराउण गई होवे, भैण ते बाबे ने रब अगे अरदास करन दी बजाय साढ़े ते दो घंटे लाए होण, भी भैणो घबराओ ना, इह कोई चीज़ां मंगण वालियां बेबे नानकी मंग सकदी सी? कभी क्या सगों उल्ट सानू समझाउण दी बजाय रब नूं कहा जा रहा, रब जी मान लो ना, इन्हां दी गल मान लो, साडी औलाद नूं को पुठी मत देवे, मां बाप की अगे अरन वाली मत देवे, सानू वो गवांढी चंगा नहीं लगता। पर इत्थे जिहड़े समाज नूं पुठियां मतां दे रहे ने, उहनां नूं लोक पूज रहे ने, उहनां दे पैरां ते मत्थे टेक रहे ने। कभी किसी ने आख्या भी असी फलाने थां ते गए, उत्थे सानू आख्या, बाणी ते कह रही है जो निरंकार वाहिगुरू अकाल पुरख कर्म करता है, निजम है उहदा, उस निजम विच तुरना शुरू कर दे, उस मर्यादा नूं पलना शुरू कर दे। पर साडा जोर किहड़ा लगा होया, हर एक बंदा अपनी मर्जी मुताबक जिंदगी, गुरद्वारे असी माफ करना, गुरु कोलों सिक्ख्या लैके अपने मन की मर्जी छड के गुरु की मर्जी अनुसार तुरन वास्ते नहीं आते ना। असी पता ही कहना ने, महाराज कृपा करी जो मैं मंगदा मैनू मिल जाए, वह जो तो सच्चा पातशाह जो पिछली बारी मंगया तुसी मैनू दे दिता, महाराज झोलियां तुसी एदा ना, असी कई तो झग्गा चुके विखा दिंदे ने महाराज नूं, महाराज कृपा करो आ झोली तुसां ही भरी है, सब कुछ तुसी दिता है, गुआंढी दुकान वेच दे मैं खरीद लैनी, महाराज गुआंढी जमीन खरीद दे वेच दे ने मैं खरीद लैनी, सच्चा पातशाह आओ फलाणियां दी लड़की दा रिश्ता फलाणियां दे घर हुंदा सी, पालवी बड़ी मोटी सी, दाज बड़ा मोटा देना सी, मैं तां अद्धी अद्धी रात तो टुट अरदासां कीतियां महाराज, मड़े मंत्र जाप किते, कृपा कीती सच्चा पातशाह, ये साढ़े परिवार च उस धी का रिश्ता हो गया, कोई दाज कई लख आना सी, महाराज तुसी चोरियां भर देंदे हो, गरीबी कढ़ देंदे हो, बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु, इंज ही करदे आ ना। कभी किसी ने गुरु अगे आण के नहीं कहा सच्चा पातशाह मत पुठी है, आदतां माड़ियां ने, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भला इस दुनिया ते किस वास्ते आए कि सारी दुनिया आप मुहारे आई, आप मुहारे, मैं नहीं कहता, भाई गुरुदास जी कहते हैं जारत कर मुल्तान दी, मुल्तान दी यात्रा करके ना फिर करतारपुरे नू आया, बाबा नानक फिर करतारपुर आण के बह गए, जारत कर मुल्तान दी फिर करतारपुरे नू आया, चढ़े सवाई दह देही कल युग नानक नाम ते आया, विण नावे होर मंगना सिर दुखां कै दुख सवाया। गुरु को आण के गुरु की मत मंगण दे बजाय होर कुछ मंगना सवाए दुखां तो होर कुछ भी नहीं। दुनिया के गुरु नानक साहब तो पहला भी लोग ये पदार्थ मंगी जाते, गुरु साहब लोगों को पदार्थ मंगना नहीं सिखा रहे, गुरु साहब लोगों को जिंदगी जीण का तरीका सिखा रहे कि पदार्थ तो बिना मंगिया मिल जाने। क्यों सात संगत जिहड़ियां नूं वहम पै जाए भी मंगे सब कुछ मिलता, आँखां मंग के लईआं आपां, हथ मंग के लए ने, ये शरीर आपां मंग के लिया, आ जिहड़ी एड्डी वधिया काया साडी ये मंग के लई आ आपां, जिहड़े कहिंदे सानूं मंगिया मिलदा, इत्थे मंगण दी लोड़ नहीं, इत्थे अपनियां आदतां छड के ते गुरु दे गुण ग्रहण करन दी लोड़ सी। ये गुरुद्वारे पिंडां विच किस वास्ते बने सन? धर्मशाला गुरु नानक साहिब ने क्यों बनाई सी? कि लोगों नूं जिंदगी जीण दा तरीका नहीं सी, लोग आम मुहारे हो के जिंदगी जू रहे सन। गुरु पातशाह ने एक धर्मशाला तैयार की, विधि विधान दसिया कि सवेर तो लैके शामां तक किहड़े तेरे काम की ने, तू किदां काम करने ने, तेरी जीवन शैली किदा दी होनी चाहिए, किदा तू जिंदगी नूं जूणा, एक परमात्मा ते भरोसा रखना, थां थां ते मत्थे नहीं टेकने। पर सोचो एक बार, इन्ना लंबा समा ला के गुरु नानक साहब ने जिस सिख नूं समझाया, जे भला साडे कोल एक ग्रंथ इक्का बाणी एक गुर वाली विचार ना होंदी,
इन्ना कुछ होने के बावजूद भी साढ़े गुरु के अगे नमस्कार करने के तरीके एक नहीं। हर इलाके का बाबा वखरा, हर इलाके के वहम भरम वखरे वखरे, हर एक इलाके के देवी देवते वखरे वखरे तरीके पूजे जा रहे हैं। अज के समय सब तो भैड़ा बंदा पता कि लगता समाज में, साढ़े समाज में जेड़े जिंदगी जू रहे हैं, जेड़ा एक गुरु ग्रंथ साहब के संविधान की गल, अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा की गल करता है। सब तो वह तकलीफ उन्होंने होंगी है जिन्हें थां थां पर मत्थे टेकन की आदत पाल के बैठे, वहम भरम की गल, पखंड की गल, कर्मकांडा की गल बोली जाओ, किसी ने इतराज नहीं करना, ना किसी ने सवाल करना उन्होंने, ना किसी ने पूछना है। जाना सी तुसी अखंड पाठ के किसी घर हो गए, तुसी उत्थे जाओगे, मन मत्तियां दो साखियां इधरों सुनिया, दो इधरों सुना दियां, तुसी सोना देख लै लैनी, घर में आ जाना। साडा पहला फर्ज पता की बनता, सानू गुरमत का पता हो। जे किसी ने मनमत सुनाई है तो बड़े प्यार ना पूछिए, भाई साहब जी असी गुरमत आ पढ़ी है, जो तुसा बोलिया साढ़े मुताबिक ये गुरमत नहीं है, मनमत है। जे हर एक सिख, हर एक भैन अपने फर्ज की पालना करनी शुरू कर दे, जे कि गुरु की मत को पढ़ के दूजों को समझा शुरू कर दे, एक गल बहुत दूर जा सकती है। पर असी रहन दिता गुरुद्वारे के भाइयों के प्रचारकों से, भी उन्हों का काम है, साड़ी ड्यूटी थोड़ा, साड़ी ड्यूटी थोड़ा, ये तो काम उन्हों का, वह दसन लोगों सिर पसाउन लोगों वह गल कर। भैनों जिन्ना प्रचारक बीबिया कर सकते हैं दूजा नहीं, तुम पुछोगे वह किमें भला, बीबिया को प्रचार कर बड़ा वाला हुनर है। एक फैशन आता है मार्केट में, एक फैशन आता है बहर, भी इदा की सलवार इदा का कमीज तुम देख लो, मिनटो मिनट ही पंजाब के सारे इलाके में उदा की सूट भैन पाने शुरू कर दी। ना वो टीवी पर ऐड आई आई ना वो टीवी पर आई, पता लग गया कि भैन ने वो सूट सुनाया, उन्हें मत्था टेकया, बाकी भैन देखिया रही पुछना इनू ये कढ़ाई कितों कराई, ये डिजाइन कितों लिया, उन्हें अपनी नणा दसिया, नणा ने अगे अपनी भरजाई दसिया, भरजाई ने अगे अपनी फिर रिश्तेदार दसिया, करद 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 डिजाइन चला गया ना, कभी गुणा का डिजाइन भी दसागे असं नहीं। भैने मैनू अपनी सस ना वरतना आ गया, सस कवे नहीं भैने मैनू अपनी नूह नू धी समझना आ गया। जे सूटा का प्रचार पंजाब हो सकता, पंजाब छड़ के कनेडा तक हो जाता, इतों बना के भेज दें आप, लै आई तो इदा तो ही समाए तुम नहीं समाओ, वो अगे बेचारी अगर जो साढ़े कोल पाँव का टाइम नहीं, कहते कोई नहीं ऐतवार गुरुद्वारे पाने चल जाओ, दसता ना असी सूट पाने के तरीके दसते किमें किमें पाने ने, किमें किमें डिजाइन, प्रचार करने का तरीका साढ़े को बड़ा। असी किसी विह शादी चल जी उत्थे अपन दो गल् कर लैनिया, तुम देखो गल् करना, जे वो गल् गुरमत दियाँ हो गुरमत दल भी कीतिया जा सकती ना। एक भैन बाणी के अर्थ होंगे चार भैनों सांझिया करे, विचार सांझिया करे, वेखो साड़िया गल् मुकदियां नहीं। गुरुद्वार आके जोड़े बंदे अपना अपना बिजनेस करते, उन्होंने पुराना समा हों सिखी बारे पूछया जाता से, हूँ असी फसल बारे पूछते हैं, किसान हाँ तो किसान पूछो की हाल है, कणक कि निकली है, वह कहूगा भरावा माड़ी निकली, बी भी नवा लिया के पाया, गल बनी कोई नहीं। कारखाने का मालिक, कारखाने मालिक को पूछूगा कि मजदूर लेबर मिलती कि नहीं मिलती, वह कितने मिलती, लोग काम करके राजी है, अपने अपने दुखले रोए ना। जे दो भैन कट्ठिया होकर बैठिया पुछदियाँ नहीं, भैने वी नूह का की हाल है, निका का हाल है, नहीं रोटी तो आप पका के खानी पैंती है, नहीं भैने जमाना कितने अचक, कितने नूह रखनिया सौखिया ने, कितने बड़ा ही औखा, नहीं भैने डरती हाँ मैं, तो बहुत डरती हूँ, मैं नहीं बोलती, तुम नूह को पुछ के वेख लो, कहती ना भैं मैं भी गिद्दे नहीं कट्टन रही हाँ, सा नूह अपनी जगह दुखी आ, सास अपनी जगह दुखी आ, गुरुद्वारे व्डे व्डे आ, निशान साहब लंबे लंबे लाते आ, कभी सोच के वेखिए प्रॉब्लम आई हैं क्यों ने साडे घर सोचे, कई घर नूह तो सस आपस में महीना महीना नहीं बोल रही, एक एक महीना लग जाता, एक एक महीना तो सस बहाना लगती, गुआढ़िया घर जावा तो दुख फोटा दबदा, मैं तो आप फ्री पई हूँ दसा कि भी मेरी नूह जी तो गल नहीं करती मेरे न, नूह अपन सहेलियां लभदी भी अपनी सस बारे दसा, कि प्यारा रिश्ता है, ये कि प्यारा रिश्ता है, इन्ना प्यारा रिश्ता जिन्हों कलाकार ने गंदला कर दिता है। ये गाने असी सुने ना भी एक लूण घोटला लै आई सस कुटनी सदूखा ओले, क्यों जी ये सस कुटन वाला रिश्ता है, भला भी नूह सस में कुटे रिश्ता है, यही बड़े समझना, ए टीवी अगे ला के ए बेशर्मी ध्यान पार करके सुने ना,
जे ताड़ी नूह ने सुन के कल ये फार्मूला घरे लागू कर लिया मां ने बड़े ध्यान सुन रही पसलियां सेक देनिया नूह ने मार मार के लून घोलने पहली गल तो उदा ही गठिया होया पाया प्रॉब्लम तो उदा ही तुरया नहीं जाता लून घोटना लैके मगर भज गई तो भजे नहीं जाना भी आप कहीं सैर करते भी आप दूर तक भज लेना पर गाने भी कोई किन्ने प्यार ना सुने असं गंदे गाने टब्बरों च बह बह के असी सुनते गंदे गाने टब्बरों च बह बह के सुने भी लून घोटना लै आई मैं सस कुटनी संदूखा ओले किन्ना किन्ना नाजुक रिश्ता यह मां धी वाला रिश्ता है जदों ज्योतिषी इनू ऐर दिंदा है भी नौ सर्दी ने बड़ी साढ़े को आने के मतलब केस करो उत्ते भी नौ सर्दी क्यों नहीं बनती बनती है कौन कहता नहीं बनती बनाओ इनू ये जिम्मेवारी है साड़ी जे एक नौ की मैनू अज तक याद है मैं तो वीर सुखविंदर सिंह चूड़ चक पिंड है मोगे के लागे असीं उत्थे कैंप लाया सी अज तो चार पाँच साल पहला की गल है उत्थे टीचरां दी क्लास लाई 17-1800 बच्चा सी टीचर भी काफ़ी सन उन्होंने टीचरों में जो असी क्लास लाई तो एक हिंदू टीचर से हिंदू बीबी जो असी टीचरों की क्लास लाई उस बीबी ने गल कही कहिंदी वीर जी मेरा एक सवाल है असी कहा भैन जी करो ध्यान दे के सुनो भैने उहदा सवाल की सी कहिंदी जिहड़ा मेरा पति है ना जदों घर आउंदा उहने अपनी माँ ने गल्लां सांझियां करनियां माँ ने दुख सुख सांझा करदा माँ के दुख सुख पुछदा असी ये पूछा भैन जी तुहाडा भी पुछदा ना दुख सुख कहिंदे मेरा भी पुछदा पर माँ का भी पुछदा माँ का ज़्यादा पुछदा असी पूछा भैन जी भी तुहाडे भरा किन्ने ने कहिंदी एक व्याह है कहिंदी हाँ जी मैं कहा भैन जी ध्यान ना सुनियो गल एक गल हो सकता किसी होर घर की समस्या भी होगी असी कहा भैन जी भी जदों तुहाडा भरा तुहाडी माता की देखभाल नहीं करेगा जे उहनूं जे उहदी निगाह की जरूरत होएगी भी इहनूं कोई चश्मा लगन वाला एक दो नंबर वाला तो माँ कवे पुत लिया के मैनूं ऐनकां लवा दे पुत कवे टाइम है नहीं पुत मैनूं डॉक्टर को चैक करा लिया दवाई दवा लिया बच्चा कवे मेरे को टाइम है नहीं मतलब भैन जी तुहाडा भरा तुहाडी माता नूं पुछे ही ना तो भला माँ दुख किद करो सब तो नेड़ला रिश्ता धी है ना तो धी तुसीं है तुहानूं कवेगी ना माँ भी पुत अपने भरा को समझा थोड़ा बहुत मेरी देखभाल करे मैं पूछया करे मैं गुआढ़ियों वाल थोड़ा जाना मेरा तो आसरा मेरा बेटा ही है उदो भला भैने तेरा रोल की होएगा कहती मैं अपने भरा को समझाऊ मैं क्या की समझाऊंगे कहते मैं भरा को समझाऊ माँ को पूछया कर हूँ दवाई बूटी हूँ बेचारी भुल गया ना भी इदा ही मेरी जी सस है यदा भी कोई बेटा है मैं क्या ठीक है ना तुम समझाओ कहते समझाओ मैं क्या थोड़े किन्ने बच्चे ने कहती मेरा एक बेटा है कल थोड़ा बेटा ब्याह जाता तो तुहाडा बेटा तुहाडे कोल आउंदा ही नहीं ना तुहानूं पुछदा है ना तुहानूं बुलाउंदा है ना तुहाडे नाल गल करदा है ना तुहाडी दवाई बूटी का फिक्र है उदों तुसीं की करोगे तुसीं ये सोचोगे ना बेटा मेरे कोल आवे मेरे नाल दो गल्लां करे बस इन्नी गल कहण दी देर सी उस भैन ने क्लास विच एक गल स्वीकार की वीर जी इह पक्ष ते मैं कदी सोचिया ही नहीं जिहड़ी अज सस है उह सोचे कदी मैं भी नूह सी किसे दी दो मिनट की खेड है सारी दो मिनट की खेड है ते जिहड़ी सस नूह है वह कवे कदी मैं भी किसी की सस बनना उस गल बुड़ गई जे अज मैं अपनी नूह नाल इदां दा विहार कर रही हाँ मैं अपनी नूह नाल मेरी धी नाल विहार भी कोई इदां दा कर सकदा देखो मेरिया बुजुर्ग मातावां बैठियां तुसीं अपनी नूह नाल गलत वरता करो तुहाडी धी नाल कोई इदां दा वरता करे बुरा लगता है ना साडा साडी नूह पेकिया तो कोई सूट ना लैके आए क्या पति की कहता भला अपनी पत्नी लै दस इन्नी जमीन की करनी जब बापू पेंशन लैके रिटायरमेंट पर आ गया उदों कुछ ना कुछ लिया तो जे तुहाडी भैन तुहाडे को लैन आ जाए भी तेरा भी तो बापू रिटायरमेंट ली है उन्हें उन्होंने भी पेंशन मिल रही है कुछ ना कुछ मैनू भी दे जदों असी पारदर्शी हो जाएंगे साढ़े घर दिया असल में गल्लां गुरुद्वारे आण के करन दी जरूरत सी बैठ के विचार करते सैमीनार होंदे क्लासा लाउंदे गुरमुख दी गल सिखदे असी अपने अपनी घर की लड़ाई का फायदा असी देहतारी पुजारी तांत्रिक ज्योतिषी पांध्यां नूं पहुंचा दिता साढ़े घर दियां लड़ाइयां का फायदा वह लोग उठा गए तो जिहड़े अपने आप नूं सरदार खवाउंदे आ ना माफ करना मैनूं घर च चलदी चुलदी उहनां दी भी कोई नहीं वह भी बेचारे घर साहब बहादुर ही होंगे स्पष्ट गल है जी उदा पर पंचायतों के फैसले सुनाते पर घुरकी योजी बजती उन्होंने दुआई रब की जिम्मे खरगोश टाले च बहुत ना मैं ढीम मारो माड़ी जी ख
खरगोश वेख्या कभी हाँ ढी मारो ना है बेचारा जान बचा अपनी उपरली दाती दे पर कई बेचारे इदा जान बचाते फिरते अपने टबर दुआई रब की अगवाई करो तुम युरत रखो किवें जिंदगी जीनी है मजाक की है तुहाडा टबर किसी तांत्रिक जोशी पांधी को चल जाए पर असी मर मुक गए हाँ साड़ी जमीर विक चुकी है अंदरों खाली हो चुके हैं प्यारे सानू निरंकार दे लड़ लाया सी सिख ने बाणी पढ़ के अपने घर के मसले समस्यावां घरे नजिठणिया ने थां थां ते मथे नहीं टेकने आओ गुरु कृपा करे माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा तर जी रे एक टेक तू लहा बेडानी आस नानक नाम त्याई है कारज आवे बस जे जिंदगी दे कारजां नूं लास करना चाहुंदे आ ते सौखा तरीका टेक एक निरंकार ते रखो शुकराना पातशाह दा धन्नवाद सारी संगत दा इन्हां प्रबंधक वीरां दा नौजवान वीरां दा समुची संगत दा अज चार समागम होर तुहाडे इलाके विच ने साध संगत समा कढ के उन्हां समागमां विच पहुँचो वीर जी हुण तुहानूं सवेरे कित्थे दीवान है उस पिंड बारे दस देणगे सवेरे मेरे ख्याल 6 बजे दीवान आरंभ हो जाणा है 6:30 बजे वक्सर पहुँचो ताकि आप रल मिल के बाणी दे विचारां दी सांझ कर सकी आओ अगला प्रोग्राम वीरां पासों श्रवण करो फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह